नमस्कार, मैं विपुल सिंह स्वागत करता हूं आप सभी स्टूडेंट्स का हमारे इस यूट्यूब चैनल स्टडी कैपिटल पर। सीयूईटी पीजी 2024 का एप्लीकेशन फॉर्म जारी हो चुका है, एग्जाम की डेट भी आप सभी को पता है। तो आज के इस वीडियो में आप सभी की जो मैक्सिमम क्वेरी आ रही है हर एक सब्जेक्ट के स्टूडेंट की कि सर नए एग्जाम पैटर्न को डिटेल में समझा दीजिए, क्या क्या नई चीजें ऐड हुई है या फिर कैसे एग्जाम का पैटर्न है पूरा, और साथ में सभी सब्जेक्ट का सिलेबस हम कैसे जानेंगे। तो आज का ये बेस्ट एवर वीडियो होने वाला है आप सभी के लिए, इसलिए ध्यान से इस वीडियो को देखिएगा और मेरी बातों को सुनिएगा। इस कंप्लीट वीडियो को देख लीजिएगा तो आपको नए एग्जाम पैटर्न के बारे में पूरी बात समझ में आ जाएगी, साथ में सिलेबस से रिलेटेड भी मैं बहुत सारी बातें आपको इस वीडियो में बता दे रहा हूँ। तो चलिए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की। और वीडियो की शुरुआत करने से पहले, चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं, स्टडी कैपिटल का कोई पहला वीडियो देख रहे हैं, मुझे पहली बार देख रहे हैं, तो चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए, बेल आइकन जरूर प्रेस कर लीजिए, क्योंकि आगे आने वाले समय में आज ही नहीं आपके एडमिशन तक हम आपके साथ हर एक अपडेट सूचना और जानकारी के लिए समय से और सही जानकारी के साथ पहुंचाते रहेंगे। यानी आपको सारी अपडेट भी पहुंचाएंगे, जहां पर आपको डाउट होता है वहां पर हम आपको गाइड भी करेंगे, चाहे वो वीडियो के माध्यम से हो चाहे वो लाइव सेशन के माध्यम से हो। कुल मिलाकर कहने का ये मतलब है कि अगर आपको सीयूईटी पीजी की कोई भी अपडेट चाहिए होगी, सिर्फ सर्च करिएगा यूट्यूब पर स्टडी कैपिटल, जो भी जरूरी सूचना आई होगी एनटीए की तरफ से, यूजीसी की तरफ से, वो हमारे चैनल पर सबसे पहले और सही ढंग से आपके पास पहुंच जाएगी। तो सबसे पहले हमने कुछ बातों को लिखा है, उन बातों को मैं समझा दूं, उसके बाद मैं आपको सीधा सीयूईटी पीजी की वेबसाइट पर ले चल के एग्जाम पैटर्न और सिलेबस के बारे में बातों को समझाऊंगा। तो मैंने लिखा है सीयूईटी पीजी 2024 न्यू एग्जाम पैटर्न एंड ऑल सब्जेक्ट सिलेबस। सबसे पहले जो पहला परिवर्तन हुआ है वो चेंज ये है कि पहले जो था वो नंबर ऑफ क्वेश्चन आते थे 100 और अब इसको डिडक्ट करके कर दिया गया है 75। तो आप सभी के दिमाग में ये होना चाहिए कि अब हमारे पेपर में कितना क्वेश्चन आएगा, तो सिर्फ 75 क्वेश्चन आएगा, और इसका जो समय आपको दिया जाएगा, इसका जो समय होगा वो आपके पास 105 मिनट का होगा, जो कि पहले 100 क्वेश्चन पर आपको समय दिया जाता था 120 मिनट का, तो अब 120 मिनट का समय हटा दिया गया, उसको 105 मिनट कर दिया गया। समय कम किया गया है लेकिन सवाल के हिसाब से वो समय ठीक है, उसमें कोई बहुत ज्यादा आपको प्रॉब्लम फेस नहीं करनी पड़ेगी। दूसरे नंबर पर हमारा आता है कि सर मैक्सिमम मार्क्स कितने का है, तो मैक्सिमम मार्क्स जो है आपका वो 300 का, यानी 300 नंबर का पेपर आपका बनेगा, उसी 300 मार्क्स में से आप जितना मार्क्स प्राप्त करेंगे अलग अलग यूनिवर्सिटीज की मेरिट बनेगी और उसके आधार पर आपका एडमिशन होगा। तो उसकी मेहनत आपको अभी से करनी पड़ेगी क्योंकि लास्ट के 10 दिन में आपसे मेहनत करने से कुछ नहीं होने वाला है। अगले नंबर पर बात करते हैं प्रत्येक प्रश्न कितने नंबर का होगा, तो प्रत्येक प्रश्न होगा 4 नंबर का, यानी अगर आप क्वेश्चन को सही करते हैं तो 4 अंक मिलेंगे, क्वेश्चन को गलत करते हैं तो -1 मार्क्स डिडक्ट होगा, यानी एक नंबर कटेगा, और कुछ नहीं करते हैं क्वेश्चन को छोड़ देते हैं तो 0 का 0 रहेगा, ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्वेश्चन का मीडियम क्या होगा, पेपर का मीडियम क्या होगा, तो पेपर का मीडियम बाइलिंगुअल होगा, लैंग्वेज पेपर्स को छोड़ करके और कुछ टेक्निकल पेपर्स को छोड़ करके बाकी सारे पेपर्स बाइलिंगुअल होंगे, यानी हिंदी और इंग्लिश दोनों का ऑप्शन आपको रहेगा। ऊपर से आप चेंज करके हिंदी में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं, इंग्लिश में भी क्वेश्चन को देख सकते हैं। मोड ऑफ एग्जामिनेशन, जिनको ना पता हो मैं बता दूं कि एनटीए के द्वारा कराए जाने वाले सभी एग्जाम क्या होते हैं, सीबीटी बेस्ड होते हैं, यानी कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है। आपको ऑनलाइन सेंटर पर भेजा जाएगा, ऑनलाइन सेंटर पर आप जाएंगे, कंप्यूटर पर टेस्ट देंगे, पूरा प्रोसीजर उसका होता है। जरूरत पड़ने पर वो प्रोसीजर वगैरह भी मैं आपको आगे आने वाले समय में बताऊंगा। नंबर ऑफ टेस्ट पेपर कितना सेलेक्ट कर सकते हैं फॉर्म भरते समय, यानी कुल कितने कोर्स के लिए, कितने सब्जेक्ट के लिए आप पेपर दे सकते हैं, तो उसके नंबर से 4, यानी मैक्सिमम 4 कोर्स में आप अलग अलग कोर्सेज के लिए आप अपने आप को अप्लाई कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आपने एमए हिंदी के लिए कर दिया, बीएड लैंग्वेज के लिए कर दिया, एलएलबी का जो जनरल पेपर है उसके लिए कर दिया, किसी एक पेपर हिंदी स्टडीज के लिए कर दिया, यानी कुल मिलाकर के 4 टेस्ट पेपर आप सेलेक्ट कर सकते हैं। बाकी नंबर ऑफ यूनिवर्सिटीज और उनके साथ सब्जेक्ट के जितने भी है आप मैक्सिमम टू मैक्सिमम जितनी यूनिवर्सिटीज सेलेक्ट करना चाहें उतनी यूनिवर्सिटीज कर सकते हैं। अब हम आगे बात करेंगे सिलेबस पर, यानी आपका सिलेबस क्या होना चाहिए। उससे पहले 3 और इंपॉर्टेंट पॉइंट, सबसे पहले तो जो बातें मैंने समझाई है जरा कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बता दीजिए कि आपको मेरी बातें समझ में आ जाती हैं और जो वीडियो देता हूं वो आप सभी के लिए हेल्पफुल होता है, एक बार रिमार्क दे दीजिए ताकि मैं समझ सकूं, और साथ में अगर मन में कोई सवाल है तो वो भी पूछते चलिए, अगले वीडियो में उसका सॉल्यूशन आपको जरूर दे दूंगा। 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट है आगे आने वाले समय के लिए। सबसे पहला पॉइंट है कि सब्सक्राइब करके स्टडी कैपिटल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन प्रेस कर लीजिए, जैसा कि मैंने शुरू में आपको बताया कि स्टडी कैपिटल किस तरीके से आपके साथ रहने वाला है अपने अनुभव के साथ में। अगले नंबर पर है कि स्टडी कैपिटल के कोर्सेज को अगर आप ज्वाइन करेंगे तो मिनिमम प्राइस पर आप हमारे कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी कैपिटल के कोर्सेज को, और साथ में गेट बेस्ट रिजल्ट,
क्योंकि स्टडी कैपिटल के कोर्सेज के विषय में बता दूं कि आपको कहीं पर हो सकता है कि बहुत सस्ता कोर्स मिल जाए और कहीं पर हो सकता है बहुत महंगा कोर्स मिले। स्टडी कैपिटल का मॉडरेट लेवल का जो फीस एक आम स्टूडेंट के लिए होना चाहिए उसी तरीके की फीस है, एक मिनिमम प्राइस पर ही है वो। तो मैं ये भी नहीं कहता हूँ कि बहुत किसी के सस्ते फीस पर चले जाइए, उसका अनुभव ना हो, उसके पास 10 लेक्चर्स में उसका सिलेबस खत्म हो जाए तो वैसे पर भी मत जाइए, और कोई बहुत ज़्यादा आपको लूट रहा है तो वहाँ पर भी मत जाइए। हम आपको मिनिमम प्राइस में कोर्स भी देते हैं और बेस्ट रिजल्ट हमने रखा है 2022 और 2023 के दोनों सेशन में। चाहे कितना भी बड़ा से बड़ा प्लेटफॉर्म हो, बड़ी से बड़ी कंपनी हो, किसी के पास स्टडी कैपिटल जैसा अनुभव CUET PG में नहीं है, ये हम दावे के साथ कहते हैं और हर समय कहते रहेंगे। जब से हमने CUET PG की शुरुआत की है किसी ने भी इस तरीके से अपनी शुरुआत नहीं की और इस तरीके का रिजल्ट किसी भी एजुकेशन प्लेटफॉर्म ने नहीं दिया है, टॉप यूनिवर्सिटीज में, BHU, DU, JNU जैसे विश्वविद्यालयों में। तो स्टडी कैपिटल का ऐप डाउनलोड कर लीजिएगा कोर्सेज को ज्वाइन करने के लिए, और व्हाट्सएप पर मैसेज कर लीजिएगा हमारे साथ कनेक्ट रहने के लिए कि सर मेरा ये नाम है, मैं इस कोर्स की प्रिपरेशन कर रहा हूँ। आप कोर्स में जुड़ेंगे तो भी अच्छी बात है, नहीं जुड़ेंगे तो भी हम आपको सारी अपडेट आपके सब्जेक्ट से रिलेटेड स्टेटस वगैरह के माध्यम से आपको पर्सनली कॉन्टैक्ट करके हमारी टीम आपको हेल्प करती रहेगी। अब बात करते हैं सिलेबस पर। तो हमारा जो सिलेबस है, अब बहुत सारे सब्जेक्ट का सिलेबस है, एक साथ आप कैसे सारे सब्जेक्ट का सिलेबस चेक कर सकते हैं? तो आप जरूर देख सकते हैं, लेकिन मैं एक वीडियो में सारे सब्जेक्ट का सिलेबस नहीं बता सकता। मैं अलग अलग वीडियोस में अलग अलग सब्जेक्ट का सिलेबस बताऊंगा, अच्छे से समझा के तब उसको ज्यादा आसानी से समझा सकूंगा। अभी आपको इतना कह सकता हूं कि CUET PG के वेबसाइट पर आइएगा, यहां सिलेबस का ऑप्शन है। इस सिलेबस के ऑप्शन पर आप जैसे ही नीचे स्क्रॉल करेंगे, देखिए आपको किसी भी सब्जेक्ट का जो सिलेबस है वो अछूता नहीं। मान लीजिए मैं बीएड लैंग्वेज का सिलेबस जैसे ही ओपन करता हूँ तो देखिए आपके सामने ये बीएड लैंग्वेज का सिलेबस आ गया कि लैंग्वेज में 3 पेपर सब आएंगे। पेपर 1 खत्म हो गया, पार्ट ए जिसमें हिंदी, इंग्लिश और संस्कृत होगा। फिर और आते हैं नीचे, मान लीजिए आपको किसी और सब्जेक्ट का सिलेबस चेक करना है, तो अगर मैं आपको किसी और सब्जेक्ट का इंग्लिश का सिलेबस अगर दिखा दूं तो इस तरीके से यहाँ पर भी देखिए क्लियरली लिख दिया गया होगा कि 75 क्वेश्चंस ही आएंगे। देखिए यहाँ पर साफ शब्दों में लिखा गया है कि टेस्ट पेपर जो है सिर्फ 75 क्वेश्चंस होंगे। सिलेबस क्या है आपका वो पूरा इस तरीके से दिया गया है, यानी आप वेबसाइट पर विजिट करके सिलेबस को देख सकते हैं। सिलेबस को अच्छे से समझने के लिए हमने ज्योग्राफी का सिलेबस दे दिया है, इंग्लिश का सिलेबस का वीडियो दे दिया है, बाकी सिलेबस के वीडियोज हम लोग शूट कर रहे हैं और आपको आगे आने वाले समय में सारे सब्जेक्ट के सिलेबस वीडियो बता देंगे कि किस तरीके से आपको पढ़ना है, क्या स्ट्रेटजी फॉलो करनी है। और अभी के लिए आज का ये हमारा जो वीडियो था, ये वीडियो कैसा लगा है, वीडियो में जो बातें मैंने बताई वो बातें कैसी लगी हैं, तो अगर आपको बेहतर लगा है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, कमेंट बॉक्स में अपने रिव्यूज दीजिएगा, अपने सवाल पूछ सकते हैं, वीडियो को शेयर करिएगा, आगे आने वाली बाकी लोगों को अपडेट पहुंचा दीजिए। और आगे आने वाली अपडेट्स के लिए चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर लीजिए ताकि आपको एडमिशन तक कोई भी समस्या ना हो, कहीं दूसरे जगह आपको भटकने की कोई भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तो अभी के लिए इस वीडियो में इतना ही, वीडियो को एंड करता हूं, बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार।